चुड़ू चाय मिला भैया, 3-4 समोसे और बिल इनको दे दियो। है क्या जितनी मेहनत उतनी फीस? और नहीं तो क्या भाई, ये खुद के लिए लड़की पटाने के लिए मेहनत नहीं की ना, उतनी तो तूने करवा दी। जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मन की जरूरत नहीं। ये लो अंकल, चाय लो। शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। अंकल एक बात बताइए, वैसे हम भी यहीं पे घर लेने का सोच रहे हैं, ये मोहल्ला है कैसा वैसे? जी बढ़िया है। और लोग कैसे हैं अंकल? लोग भी अच्छे हैं, मिडिल क्लास है लेकिन संस्कारी है सब। अंकल वो अपने यहाँ रहते हैं ना वर्मा साहब, यहाँ दो बेटियां भी हैं जिनकी। शुभंकर वर्मा जी? हाँ, शुभंकर वर्मा, उनकी दो बेटियां भी है ना, वो क्या नाम है उनकी बेटी का? आद्या। हाँ आद्या। सब संस्कारी है। हो गए थे सली, जबरदस्ती का उसके पीछे पड़ा होता। अच्छा अंकल नमस्ते। एक्सक्यूज मी। यस, आद्या के बारे में जानना चाहते हो? तुम कौन हो? आद्या की लाइफ से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट पहलू। और क्या जानते हो तुम उसके बारे में? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी, आइए ना। आओ आओ, स्वागत है। एक मिनट। घर की होने वाली डॉटर इन लॉ बिना आरती के घर के अंदर कैसे आ जाएगी? ये तो रॉन्ग रॉन्ग हो जाएगा ना मम्मी जी। एंट्री प्लीज। देख सम्राट, बाऊजी ने सबके सामने मुझे शटअप करा के तेरी शादी के लिए हामी तो भर दी, पर याद रखना अगर वो मालिका बाजार की चप्पल मित्तल हाउस में बहू बनकर आ गई ना, तो मैंने तुम दोनों का जीना हराम कर देना है। आप फिक्र मत कीजिए बड़ी मां, मैं आध्या को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। मेरे यहां से तो बला टलेगी, ये मुझे क्या। आओ जी। जय जी। आ बेटा। हेलो, मैं आ गया हूं। ओके ठीक है। सम्राट भाई इधर आइयो, कुछ काम है। लेकिन पूजा बाद में करियो, अभी चलना। लेकिन चल तो सही, बात बताएगा क्या है? सगाई से पहले तुझे पता तो लगे कि लड़की है कैसी। इससे मिल, ये आध्या के बारे में सब कुछ जानता है। बहुत पुरानी जान पहचान है मेरी, इनफैक्ट उसकी कुंडली भी है मेरे पास। अच्छा तो ठीक है, जो भी कहना है अंदर आके सबके सामने कहो। अंदर? जैसे अंदर ले आओ। ओके दादू। चल यार, अंदर नहीं आ रहा यार मैं। तुझे सिर्फ सही बोलना, चल जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, चल। आद्या
ये कौन है? आध्या का सच। बता, असलियत बता सबको। ये है आध्या का एक्स बॉयफ्रेंड और इसकी धोखेबाजी का सबूत। इसे सम्राट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सम्राट के पैसों में इंटरेस्ट है। और इस बेचारे लड़के के साथ भी इसने ऐसे ही किया। जब तक ये लड़का इसकी जरूरतें पूरी कर रहा था, इसे पैसे दे रहा था, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही इस लड़के को आध्या के इरादों के बारे में पता लगा और उसने पैसे देने बंद किए, फिर क्या था? इस लड़की ने उसे अपनी जिंदगी से उठा के फेंक दिया। क्या हुआ? मुंह क्यों बंद है? बोलो। अरे कुछ तो बोलो। हाँ अंकल, आप ही बोल दो। जिस आदमी के दम पर तू आध्या के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, वो इतना चुप क्यों है? दादू वो चुप कहाँ है, बोल तो रहा है दादू। बता भाई, सच बता। मैं चलता हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। अरे अरे कहाँ कहाँ चलता कहाँ हूँ? देख सीरियसली बता, जो सच है वो बता, और किसे डरने की जरूरत नहीं है। टेल। आध्या मेरे पीछे पड़ी थी, हर जगह मेरे पीछे आ जाती थी। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? सर ये कोई 2 साल पहले जुलाई में ही शुरू हुआ था हमारा रिलेशन। तारीख क्या थे? सोलह और 20 दो अलग अलग तारीखें होती हैं, एक बता। 20th। सच ये है कि ये लड़का आध्या को परेशान करता था। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आध्या से पहली बार एक पड़ोसी की शादी में मिला था, उसके बाद यही मेरा पीछा करने लग गई। बहुत पुरानी दोस्त है मेरी, सालों से जानता हूं उसे, कॉलेज में भी फ्रेंड थी। इनफैक्ट उसी ने मुझे प्रपोज किया था। कोई फोटो शोटो है तुम दोनों का एक साथ? आज तक एक एक फोटो संभाल के रखी है मैंने। फोटो तो नहीं है। बहुत तेज लड़की है सर, बहुत पैसे खर्च करवाए मेरे। अच्छा तो काउंटिंग करके बताओ कितने रुपीस उड़वाए इसने? प्यार में कोई हिसाब थोड़ी ना रखता है। पैसे से लेके गिफ्ट तक एक एक चीज का हिसाब है मेरे पास। कम से कम 6 से 7 लाख खर्च कर दिए उस पर। सच तो ये है, शुभांकर जी ने मुझे इस लड़के के बारे में पहले ही बता दिया था। आध्या नहीं, ये लड़का आध्या के पीछे पड़ा था। इसने शादी के लिए आध्या को प्रपोज भी किया था और ये वाली बात इसने अपने माँ बाप को भी बताई थी, लेकिन आध्या नहीं मानी। तो इस लड़के ने आत्महत्या करने की धमकी दी और आध्या डर गई।
आध्या ने इस लड़के से थोड़ा टाइम मांगा, आध्या के साथ इसने बदतमीजी की और आध्या ने इसे थप्पड़ मारा तो सरेआम इस लड़के ने मेरी बेटी की बेइज्जती की। बहुत बकवास सुन ली तेरी, बाहर निकल, निकल यहां से, गेट आउट। शुभांकर जी, किस मुंह से माफी मांगो, हमेशा हमारी वजह से आपको सुनना पड़ता है। मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? तो आप क्यों माफी मांग रहे हैं? बेटा, जो हुआ उसे हम मिटा तो नहीं सकते, लेकिन भुला जरूर सकते हैं, और मैं वादा करता हूं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो बेटा, पूजा शुरू करें। तेरी तो अले ऐसे नहीं मानेगा तू। शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति रोषधय, शांति। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझसे झूठ बोलने की? तेरे भरोसे के चक्कर में मैंने अपने दादू का भरोसा तोड़ा, एक लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाई। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। जयकारा शेरा वालिदा, बोलो सांचे दरबार की जय। चली जय। ओए जय, पागल हो गया? चोर चोर करो ना। ओए जय भाई, छोड़ 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 सर, छोड़ दे मुझे, छोड़। आध्या वर्मा की शादी आरजे जैसे नहीं बल्कि उनके भाई सम्राट मित्तल से हो रही है। शुभांकर जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आज से आध्या हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, इजाजत दीजिए, हम लोग चलते हैं। हम लोग जी आइए। इसका कुछ तो करना पड़ेगा।
से कोशिश कर रही हूँ तुमसे बात करने की, तुम्हें बताना है कुछ, लेकिन कल रात से ट्राई करी हूँ, बता ही नहीं पा रही। मत बात करो मुझसे, बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत ही घटिया इंसान हूँ मैं। क्या हुआ, इससे क्यों बोल रहे हो? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, प्लीज मत बात करो मुझसे, अभी के लिए यही सही है। पर क्यों? क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ और बहुत नशे में हूँ। नशे में हूँ? ऐसा क्या हो गया जो तुमने शराब पी हुई है? एक बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, उसका गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपनी गलती ठीक करूं, कैसे सुधारूं अपनी गलती। ले, दिक्कत का जवाब तो तुम्हारे सवाल में ही है। मतलब? मतलब ये कि सॉरी बोलकर अपनी गलती सुधार लो, क्योंकि जो लोग माफी मांग लेते हैं वो दिल के हमेशा साफ होते हैं। और अगर तुम्हें गलती का एहसास नहीं होता तो तुम गलत होते हैं। लड़की से माफी मांगनी पड़ेगी। I'm sorry. एहसास हो या ना हो, गलती तो मेरी मानी जाएगी कि एक बार जिसने ओपिनियन बना लिया वो, चाहे मैं कितना भी सॉरी बोलूं, वो ओपिनियन बदलने वाला नहीं। पहली बार गलती हुई है? नहीं। तो फिर सॉरी एक बार क्यों बोलना? अगर गलतियां हजार बार हो सकती हैं तो फिर सॉरी भी तो हजार बार बोला जा सकता है ना। इसी से तो हम सीखते हैं। देखो, माफी मांगना हमारा काम है, अब माफ करना या नहीं करना ये उनके ऊपर है। और फिर माफी मांगकर हम अपने मन का बोझ तो हल्का कर ही सकते हैं ना। ए रोक कर, अंकल आप बैठ ले, मैं पिटने के लिए तैयार, लेकिन मुझे आज जैसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप उसे बुलाते हैं। टाइम क्या हो रहा है बेटा? अंकल सिर्फ दो मिनट के लिए बुलाती हूँ, मैं पक्का जल्दी चले जाऊंगा। आजा बाहर आओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा जी, हिलना मत यहां से बिल्कुल। आजा को बोलो, आजा, जब तक तू बाहर नहीं आओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आजा, आजा, मुझे चुप बैठ, अंकल मुझे दो मिनट बात करने दो उससे, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है अंकल उससे, मेरी बात चुप एकदम चुप, मुझे दो मिनट बहुत जरूरी, मुझे बहुत जरूरी, आधे तुम ओके मैं कहीं For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.